सरकार से सवाल पूछना ये सबसे बड़ा राइज ऑफ दी एत्र होता है पत्रकारिता का। लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि पत्रकार सवाल कम पूछते हैं और ताली ज्यादा बजाने लगे हैं। कैसे कैसे जाके देख रिकॉर्ड में कि मोदी के 8 साल सनातन संस्कृति का ये पुनर्जागरण का काल है क्या? मैं मानता हूं कि मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल, मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल और सनातन का सूर्योदय, विपक्ष में भय। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस गालियों का तीर छोड़कर लड़ाई लड़ रही है? क्या कांग्रेस बार बार मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है? क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी है तो कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि हर बार वो इसमें फेल हुई है। देखिए धरनाएं तो काट रही है ओम फो। लेकिन आज चर्चा यही करेंगे कि क्या पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी का कांग्रेस की हार से वाकई रिश्ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की चमक सबसे ज्यादा होती है जो प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करते हैं। फादर का सुनकर बड़ा टच कर गया रे। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट है, सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। क्या मोदी बेस्ट क्राइसिस मैनेजर है? नहीं। तो अपनी राजकीय यात्रा पर अमेरिका में बॉस पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका में भी मोदी ही बॉस। बॉस की यूएस डायरी सामने आई तो उसमें दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। बॉस को देख बाइडेन बोले, आ गए मोदी, छा गए मोदी। अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं बॉस, और ऐसे में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। अमेरिका में बॉस मोदी, चीन को लगी मिर्ची। अमेरिका यात्रा पर मोदी द बॉस। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका की जमीन पर लैंड करेंगे तो वहाँ वो एक बॉस की तरह लैंड करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ एक बॉस की तरह जा रहे हैं। आप देखिएगा उनकी एक जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई देगी वो एक बॉस जैसी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देगी। ये कौन से नशे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूँ सुशांत सिन्हा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम की जो योगा डे पे लोगों ने यहाँ पर न्यूयॉर्क में देखा है। चूतिया नहीं लग रहा है, है? चटक चूतिया लग रहा है। ये गोभी दिख रही है जो बड़ी हिष्ट पुष्ट गोभी है। गोभी नहीं, इसको गोवा कह सकते हैं आप। क्या बोला तूने? बड़ी हिष्ट पुष्ट गोभी है, गोभी नहीं, इसको गोवा कह सकते हैं आप। और हमारे यहाँ ये यमुना के किनारे जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के इतनी बड़ी की जाती है। यहाँ नेचुरली हो रही है या यहाँ भी इंजेक्शन लगा है? अबे साले, जो माफ करना मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैसे इस चकाचौंध से भरी दुनिया में वो रोशनी लाएगा जिसका इसको इंतजार है। हाँ ये कर लो पहले। यहाँ सब चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन यहाँ आप जो बार्गेनिंग करते हैं भारत में ठेले वाले से, भैया से, कि थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्च डाल दो, ये सब नहीं होगा। तो आप लोग ये अमेरिका में ये मिस करते हैं कि एकदम फ्री में नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलने से भी नहीं। इंडिया वाला मिस तो करते होंगे ना, अरे थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यहाँ गोलगप्पा खाने पे वो एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी नहीं देते? नहीं, एक्स्ट्रा गोलगप्पा बिल्कुल नहीं देते। क्या आप लोग अमेरिका में बेकार जीवन बर्बाद कर, जब एक्स्ट्रा गोलगप्पा नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा? क्या यार बेकार जीवन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे भैया ये तो चमत्कार है। वो देखा? अरे ये तो चमत्कार होगा। वहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, खूनी साजिश हुई है आज, और इस खूनी साजिश का बड़ा पर्दाफाश मैं करूंगा आज। तो आज का डीएनए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस मृत्यु जाल से नरेंद्र मोदी जिंदा बचकर कैसे लौटे, क्या ये मृत्यु का चक्रव्यूह था? देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा मैं जिंदा बच गया। प्रधानमंत्री के काफिले को कुछ लोगों ने जबरदस्ती रोक लिया।
पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान 145 मिनट तक खतरे में क्यों डाली गई? आज ये बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या कह रही तू? ओके, जान खतरे में काहे हुई? ऐसा क्या करी से वो? बता ना, कौन मारब चाहते हो का? जिस तरह एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं, वो भी पंजाब पुलिस के रवैये को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए आज ये सवाल उठा रही हूं कि पीएम मोदी की जान को सबसे बड़ा खतरा पैदा करने वाले उन 145 मिनट का जवाब कौन देगा? वारे तेरा गजेंद्र, गरीबन की इज्जत को तो समझे खैनी, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए, अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय, अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब मीडिया अगर रिश्वत ले ले और मीडिया ये तय कर ले कि आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं करनी है, तो फिर मीडिया ब्लैक को व्हाइट कहने लगेगा और व्हाइट को ब्लैक कहने लगेगा। दिल की बात जुबान पे आ गई, गुरु तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गई। और अब बात व्यूअर्स संसद में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार बैटिंग की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अगर हम एक तरीके से बोले तो सियासत के तापमान को भी बहुत ऊंचा कर दिया, बढ़ा दिया। देखा का फिर की इमारत है। उन्होंने एक एक करके हर मुद्दे पर सिंगल हैंडेडली विपक्ष के बाउंसर पर सिक्सर लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके हर वार किया और वार भी जोरदार किया। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। कैसे पूरी बाजी को पलट दिया जाए, ये हुनर अमित शाह से सीखिए। जी हाँ, उप कप्तानी पारी आज खेली है उन्होंने। आज शाह ने अपनी पारी के दौरान जबरदस्त बैटिंग की, मणिपुर हिंसा पर स्ट्रेट शॉट खेला, सरकार के विकास के एजेंडे वाला शॉट मारा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सरकार की उपलब्धि हो, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद, विपक्षी गठबंधन, न्यूज क्लिक, चीन, विपक्षी टीम के हर गेंद पर अपना शॉट जबरदस्त लगाते हुए अमित शाह। समझ रहे हो? समझ रहे हो? He has blown what is colloquially called a chumma. You don't throw around chummas in the Parliament of India. This is a cheap kiss thrown in Parliament. The flying kiss or what is colloquially referred to as the chumma. इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? What is this flying chumma going on in the Lok Sabha about? Start to blow chummas to the BJP women members of parliament, blowing chummas to women MPs, blowing chummas to the other side. Why are you debating a chumma in parliament? क्या करते हो चूती अपने का? तो जिस मसले पर विपक्ष ने हंगामा किया, अविश्वास प्रस्ताव लाया, उस मणिपुर हिंसा पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, चुन चुन कर दिया। मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में फिर से जीत की गारंटी दी है और देश को 10, 20 या 50 साल नहीं बल्कि अगले 1000 साल का विजन भी दिया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव से मिले मौके के बाद 2024 के चुनाव का ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे विपक्ष कम से कम 2028 तक याद रखेगा? फिर से मोदी मोदी मोदी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे और 13 मिनट तक लगातार खड़े रहकर बिना थके ये भाषण देकर देश को ये बता दिया कि आज भी पॉलिटिकल स्टेमिना के मामले में उनके बराबर कोई नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। सही पकड़े हैं। म्यूजिक जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। आनंद लीजिए। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको आनंद पसंद वही बात कहेंगे।